नमस्कार। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर। स्वागत करता है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे डेटा माइनिंग टेक्निक्स। डेटा माइनिंग टेक्निक्स में हम चार टेक्निक्स हैं उनका यूज करते हैं, डिसीजन ट्री, क्लस्टरिंग, जेनेटिक एल्गोरिथम और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ये लेक्चर प्रेजेंट किया जा रहा है रवि कुमार, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस के द्वारा। इन चारों टेक्निक्स में से सबसे पहले हम देखते हैं डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री का इंट्रोडक्शन हमने पहले भी देखा है जब हमने इंट्रोडक्शन देखा था डेटा माइनिंग टेक्निक्स का। अब हम इसको विस्तार में देखते हैं, डिटेल में समझेंगे कि डिसीजन ट्री क्या होता है। डिसीजन ट्री इज ए स्ट्रक्चर दैट इंक्लूड्स ए रूट नोड, ब्रांचेज एंड लीफ नोड्स। तो डिसीजन ट्री है एक स्ट्रक्चर है, जैसे आपने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा ट्री एंड ग्राफ, तो वहां पर जो आप ट्री पढ़ते हैं वही ट्री है यहां पर भी। डिसीजन ट्री का मतलब ये डिसीजन करने के काम में आता है। अब इसके अंदर क्या क्या होता है, रूट नोड होता है, ब्रांचेज होती है और लीफ नोड्स होते हैं। ईच इंटरनल नोड डिनोट ए टेस्ट ऑन एन एट्रीब्यूट। तो जो इंटरनल नोड्स हैं वो सभी नोड्स डिनोट करते हैं टेस्ट को, एट्रीब्यूट पर एक टेस्ट किया जाएगा। तो हर एक इंटरनल नोड पर एक टेस्ट किया जाता है। ईच ब्रांच डिनोट्स द आउटकम ऑफ अ टेस्ट। हर एक जो ब्रांच है वो क्या बताएगी, आउटकम बताएगी उस टेस्ट का। एंड ईच लीफ नोड होल्ड्स ए क्लास लेबल। हर एक लीफ नोड है वो क्लास लेबल को होल्ड करके रखेगी। रूट नोड किसको बोलते हैं, सबसे जो ऊपर का नोड होता है जहां से ट्री स्टार्ट होता है वो सिंगल नोड होता है ऊपर, फिर उसमें से ब्रांचेज निकलती है, उसको बोलते हैं रूट नोड। अब एक डिसीजन ट्री है उसका हमारे पास डायग्राम है, उससे हम समझेंगे। द फॉलोइंग डिसीजन ट्री इज फॉर द कंसेप्ट बाय कंप्यूटर दैट इंडिकेट्स वेदर ए कस्टमर एट ए कंपनी इज लाइकली टू बाय कंप्यूटर और नोट। तो एक कंपनी है जो कंप्यूटर्स बनाती है और वो डिसीजन ट्री की हेल्प से ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन लोग हैं जो उसके कस्टमर्स बन सकते हैं। ईच इंटरनल नोड रिप्रेजेंट ए टेस्ट ऑन एन एट्रीब्यूट, ईच लीफ नोड रिप्रेजेंट ए क्लास। ये हमारा ट्री है। तो इसमें ये एज है वो रूट नोड है। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां से हम देख रहे हैं कि एज हो सकती है वो, ब्रांचेस कौन सी है, यंग, मिडिल एज्ड और सीनियर। तीन क्लासेस में हमने क्लासिफाई कर लिया एज को, यंग, मिडिल एज्ड और सीनियर। यंग एज में कौन होंगे, नॉर्मली स्टूडेंट्स रहते हैं यंग एज में। मिडिल एज्ड में जो नौकरी पैसा करने वाले लोग हैं, एंड सीनियर में जो रिटायर्ड लोग हैं मोस्टली। तो यंग में चेक करेंगे कि क्या वो स्टूडेंट है। अब कोई जरूरी नहीं है यंग लोग हैं वो सभी स्टूडेंट होंगे, कुछ लोग होंगे, कुछ लोग हैं जो स्टूडेंट नहीं होंगे। तो ये क्या है, जैसा कि हमने बताया इंटरनल नोड क्या करता है, टेस्टिंग करता है। जैसे क्वेश्चन मार्क लगा तो टेस्टिंग हो गई। तो यहां पर हम चेक करेंगे क्या स्टूडेंट है, नो। अगर स्टूडेंट नहीं है यंग एज का, मान लीजिए एक 18 साल का लड़का है वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, मतलब स्टूडेंट नहीं है,
तो क्या उसको कंप्यूटर खरीदने की जरूरत है? नो, नहीं तो कंपनी के लिए वो एक कस्टमर नहीं बनेगा। ठीक है, ऐसा हमने डिसाइड किया है डिसीजन ट्री की हेल्प से। फिर यदि वो स्टूडेंट हुआ, यदि स्टूडेंट है तो उसको पढ़ाई लिखाई करने के लिए कंप्यूटर की जरूरत है, तो वो कंप्यूटर खरीदेगा, तो यस। तो इस तरह से कंपनी ने डिसाइड किया कि अगर यंग एज हैं, 18 साल तक के बच्चे हैं, 20 साल तक के बच्चे हैं, तो उनमें से कितने लोग कंप्यूटर खरीदेंगे, कितने नहीं। तो जिन उनमें से जो स्टूडेंट्स हैं वो खरीदेंगे, जो स्टूडेंट्स नहीं है वो नहीं खरीदेंगे। उसके बाद में दूसरी जो कैटेगरी आती है वो मिडिल एज की आती है। मिडिल एज के अंदर है नौकरी पैसे वाले लोग हैं जो कहीं काम कर रहे हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो उनको कंप्यूटर की जरूरत भी है और उनके पास पैसे भी हैं। तो इसका मतलब मिडिल एज वाले सब उसके कस्टमर बन सकते हैं। उसके बाद में तीसरी जो कैटेगरी है वो है सीनियर सिटीजन्स की। सीनियर सिटीजन्स में अब हम देखेंगे कि उनकी क्रेडिट रेटिंग कैसी है। अगर क्रेडिट रेटिंग फेयर है तब तो वो नहीं खरीदेंगे कंप्यूटर, अगर एक्सीलेंट है तो वो कंप्यूटर खरीदेंगे। तो इस तरह से कंप्यूटर बनाने वाली या कोई मोबाइल बनाने वाली या कोई भी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है, वो एक अंदाजा लगाते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं कि किस कैटेगरी के लोग उनके कस्टमर बन सकते हैं। यहां पर हमने जो कैटेगरी लिए वो यंग, मिडिल एज और सीनियर, वो एज के हिसाब से लिया है। ये अलग अलग क्राइटेरिया हो सकता है, ये रीजन वाइज भी हो सकता है कि एक मोबाइल बनाने वाली कंपनी है वो प्रिडिक्शन करती है कि कौन से एरिया में रहने वाले लोग हमारा मोबाइल खरीदेंगे। जनरली क्या होता है कि बड़े शहरों के अंदर जो लोग हैं वहां पर ज्यादा कस्टमर बेस होता है महंगे मोबाइल खरीदने का। छोटा जो गांव है, छोटे शहर है, वहां पर महंगे मोबाइल इतने ज्यादा नहीं बिकेंगे, उनकी इनकम इतनी ज्यादा नहीं है। तो कंपनी अपनी स्ट्रेटेजी है वो उसी के अकॉर्डिंग बनाती है। जैसे हम समझ सकते हैं कि एक महंगी गाड़ी, मान लीजिए 1 करोड़ की गाड़ी है, तो 1 करोड़ की गाड़ी है तो वो कंपनी है वो अपने शोरूम्स कहाँ पर खोलेगी? तो वो मोस्टली दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, ऐसे बड़े बड़े शहरों में खोलेगी सबसे पहले, क्योंकि उनको पता है कि उनके कस्टमर्स ज़्यादा वहाँ पर है, पॉपुलेशन भी वहाँ पर ज़्यादा है, प्लस इनकम भी लोगों की ज़्यादा है। तो वो छोटे शहरों में अपने शोरूम नहीं खोलेंगे। तो हर एक कंपनी है, हर एक बिजनेस है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं। द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अ डिसीजन ट्री आर एज फॉलो। अब जो डिसीजन ट्री है उसके बेनिफिट्स क्या क्या है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, इट डज नॉट रिक्वायर एनी डोमेन नॉलेज। ज्यादा डोमेन का नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने अभी बिल्कुल सिंपल स्टेप्स में यह पता कर लिया कि कौन लोग हैं वो कस्टमर बन सकते हैं किसी कंपनी के, किसी ऑर्गेनाइजेशन की सर्विस वो ले सकते हैं। तो ज्यादा नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। एक आम इंसान है वो भी डिसीजन ट्री को यूज करके बहुत ही आसानी से ये प्रिडिक्ट कर सकता है कि कौन उसके कस्टमर बनेंगे, कौन नहीं बनेंगे। जबकि दूसरी जो टेक्निक्स है उनके अंदर आपको डोमेन का अच्छा नॉलेज होना जरूरी होता है। इट इज इजी टू कॉम्प्रिहेंड, समझ लेना आसान है इसके अंदर, कितना आसानी से हमने समझा है इसको। द लर्निंग एंड क्लासिफिकेशन स्टेप्स ऑफ अ डिसीजन ट्री आर सिंपल एंड फास्ट। क्योंकि ज्यादा डोमेन नॉलेज की जरूरत है नहीं, समझने में आसान है, तो इसका जो लर्निंग और क्लासिफिकेशन स्टेप्स है डिसीजन ट्री की वो सिंपल और फास्ट है। ये तो डिसीजन ट्री हो गया। अब हमारा जो डिसीजन ट्री होता है उसकी प्रूनिंग करते हैं, मतलब पेड़ की छटाई, जैसे हमारा पेड़ होता है उसकी हम छटाई करते हैं। ट्री प्रूनिंग इज परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू रिमूव अनोमलीज इन दी ट्रेनिंग डेटा ड्यू टू नॉइज और आउटलियर्स। तो जैसे कि एक पेड़ होता है उसकी जो ब्रांचेज है वो बहुत ज्यादा फैल जाती है,
और उनके कारण हमें कुछ किसी प्रकार की दिक्कत हो रही होती है, तो हम क्या करते हैं, उसकी छटाई करते हैं। तो वैसे क्या होता है, जब ट्री होता है उसके अंदर कुछ अनोमली जाती है, कुछ विसंगतियां आती है ट्रेनिंग डेटा के कारण, जिससे नॉइज होता है। नॉइज का मतलब एरर्स आ गई, अनवांटेड डेटा आ गया। तो जब ट्री बहुत ज्यादा फैल जाता है, हमारे रियल लाइफ में भी देखते हैं, तो उसकी ब्रांचेज इतनी ज्यादा फैल जाती है कि ऐसे हमें उनसे कुछ दिक्कत होने लग जाती है। ब्रांचेज से वो नीचे जमीन के टच हो रही है, नीचे से हम पास हो रहे हैं तो दिक्कत हो रही है, या मकान के ऊपर आ रही है हमारे, तो हम उन अनवांटेड जो ब्रांचेज हैं उनको हम छटाई कर देते हैं, और जितना हमें जरूरत है साफ सुथरा वो पेड़ उसको रखते हैं हम। तो वैसे ही कंप्यूटर में भी जब डिसीजन ट्री हम बना रहे हैं, तो उसके जो अनोमलीज आ रही है, जो ट्रेनिंग डेटा है उनसे जो नॉइज जनरेट हो रही है, जो अनवांटेड डेटा जनरेट हो रहे हैं, उनको हम हटाते हैं। उसके जो नोड्स हैं उनको हटाते हैं, छटाई करते हैं, उसको बोलते हैं ट्री प्रूनिंग। द प्रून्ड डेटा प्रून ट्री आर स्मॉलर एंड लेस कॉम्प्लेक्स। तो डेटा को प्रून करने के बाद में, जो ट्री को प्रूनिंग करने के बाद में, उसकी छटाई करने के बाद में पेड़ है वो छोटा हो जाता है, ट्री छोटा हो जाता है, और उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी वो भी कम हो जाती है। तो रियल लाइफ में हम देखते हैं पेड़ की छटाई करने के बाद में पेड़ छोटा हो जाता है और सुंदर दिखता है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है, बहुत ही आसान हो जाता है वो। कंप्यूटर के अंदर डिसीजन ट्री है, उसको काम में लेना आसान हो जाता है। तो इनको आप रियल लाइफ से कोरिलेट करके आप समझोगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें बनाई गई है वो रियल लाइफ है, उसको देख के उनसे सीख के ही बनाई गई है। ट्री प्रूनिंग है, उसकी कुछ अप्रोचेज हैं। देर आर टू अप्रोचेज टू प्रून अ ट्री। एक ट्री है उसकी प्रूनिंग करने की दो अप्रोचेज है, एक है पोस्ट प्रूनिंग, एक है प्री प्रूनिंग। पोस्ट प्रूनिंग, दिस अप्रोच रिमूव ए सब ट्री फ्रॉम अ फुली ग्रोन ट्री। पोस्ट प्रूनिंग में क्या होता है कि पहले पूरा ट्री बना दिया जाता है, उसके बाद में उसकी छटाई की जाती है, प्रूनिंग की जाती है। पहले हमने ट्री बना दिया, बहुत बड़ा ट्री बन गया, उसके बाद में हम देखते हैं कि अनवांटेड नोड्स कौन से हैं जिनको हमें हटाना है, तो उसके बाद में उन नोड्स को हम हटाते हैं, उसकी छटाई करते हैं। जबकि प्री प्रूनिंग होती है पूर्व छटाई, उसमें क्या होता है कि ट्री को हम जैसे जैसे बिल्ड करते जाते हैं, बनाते जाते हैं, वैसे वैसे ही उसकी प्रूनिंग भी हम करते जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए आधा बना, तो आधे में पहले चेक कर लेंगे अनवांटेड नोड्स कौन से हैं, नॉइज कौन से जनरेट कर रहे हैं, तो उनको हम हटा देंगे, उसके बाद में आगे बिल्ड करेंगे। तो प्री और पोस्ट को आप समझ सकते हो, जैसे आप मोबाइल यूज करते हो तो मोबाइल को बोलते हैं प्रीपेड। प्रीपेड का मतलब पहले आप रिचार्ज कराओ, उसके बाद में आपके में बैलेंस शो होगा और आपको यूज आप उसको यूज कर सकते हो। तो वैसे प्री प्रूनिंग का मतलब ट्री जैसे जैसे बना रहे वैसे वैसे उसकी प्रूनिंग कर रहे हैं, छटाई कर रहे हैं, उसमें से जो नॉइज आ रही है, जो एरर्स आ रही है उनको हटाते जा रहे हैं। पोस्ट का मतलब पोस्ट पेड होता है आपका मोबाइल का कनेक्शन, से उसमें क्या होता है 1 महीने तक आपने यूज कर लिया, उसके बाद में आपका बिल आएगा। तो पोस्ट में क्या होता है, पहले आपने ट्री बना लिया पूरा, और आपने ध्यान नहीं दिया कि इसमें कौन से अनवांटेड नोड्स आ रहे हैं जो नॉइज जनरेट कर सकते हैं, कौन से एरर्स जनरेट कर सकते हैं, उसके बाद में आपने पूरा बनाने के बाद में आपने शुरू की उसकी छटाई, उसकी प्रूनिंग करना। ठीक है, तो ये प्री प्रूनिंग और पोस्ट प्रूनिंग है। उसके बाद में आता है कॉस्ट कॉम्प्लेक्सिटी। द कॉस्ट कॉम्प्लेक्सिटी इज मेजर्ड बाय द फॉलोइंग टू पैरामीटर्स। दो पैरामीटर है, इनसे हम कॉस्ट कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं ट्री की। पहला जो पैरामीटर है वो है नंबर ऑफ लीव्स इन द ट्री, कि पेड़ में पत्तियों की संख्या कितनी है। जो लीव्स होती है इसका मतलब जो लास्ट के जो नोड्स हैं नीचे वाले, उनको लीफ नोड बोलते हैं हम। तो ट्री में लीफ नोड कितने हैं, लीव्स कितनी है, एक तो ये जो फैक्टर है वो बताता है कि कॉस्ट कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। दूसरा है कि एरर रेट ऑफ द ट्री, उसकी ट्री की जो एरर रेट है वो क्या है। तो ये दो मेन फैक्टर्स हैं, दो पैरामीटर्स हैं जिनसे डिसाइड होता है एक ट्री की कॉस्ट कॉम्प्लेक्सिटी। तो
तो ये तो था हमारा डिसीजन ट्री। अब आगे आता है क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग है वो आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे, इस वीडियो में सिर्फ डिसीजन ट्री। हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में समझने की कोशिश की है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या कोई आपके सुझाव हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नए वीडियोज के नोटिफिकेशन प्राप्त करते रहने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन पर क्लिक करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।